सो हेलो दोस्तों, फाइनली बजाज कंपनी जो है पल्सर RS 200 में नेक्स्ट अपडेट लेकर आने वाली है 2024 में। और ये अपडेट जो है दोस्तों कमाल का होने वाला है। बाइक में आपको जो है एक से बढ़कर एक बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाएगा। इस बाइक का जो है नेक्स्ट अपडेट के लिए काफ़ी लोग जो है वेट कर रहे हैं, लेकिन बजाज कंपनी जो है इस बाइक में अपडेट्स नहीं लेकर आ रही है। लेकिन अब फाइनली 2024 में इस बाइक में एक से बढ़कर एक अपडेट निकल के आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में जो है दोस्तों बात करेंगे इस बाइक के अपडेट्स के बारे में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लें। आप लोगों के साथ जो है मैं कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट की अगर बात करें दोस्तों, तो इस बाइक का जो है लाइटिंग का सेटअप चेंज होने वाला है। अभी भी इस बाइक में जो है आपको हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट मिलता है, लेकिन नेक्स्ट अपडेट में जो है दोस्तों आपको इस बाइक में LED प्रोजेक्टर मिलने वाला है। और हो सकता है कि इस बाइक का जो है टेल लैम्प का भी डिज़ाइन कंपनी चेंज कर दे। और सबसे बड़ा अपडेट जो है दोस्तों इसके मीटर कंसोल में होने वाला है। मैंने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में बताया था कि N160 में जो है डिजिटल मीटर कंसोल आ चुका है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आपको अब जो है RS 200 में भी डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा। आपको जो है स्मार्टफोन कनेक्टिविटी का फीचर्स जो है बाइक में मिलने वाला है, जो कि कमाल का फीचर्स होगा। और आपको इसमें जो है TFT मीटर कंसोल मिलेगा, साइज में भी बड़ा रहेगा और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। और बाइक में आपको जो है USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो आप अपने जो है स्मार्टफोन को चार्ज भी कर पाएंगे अपने बाइक से ही। अब नेक्स्ट अपडेट की अगर बात करें दोस्तों, तो इस बाइक में हो सकता है कि कंपनी जो है थोड़ा बहुत इंजन के साथ भी चेंजेस करे। हो सकता है कि इसमें आपको जो है अब स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जाए और आपको जो है क्विक शिफ्टर भी मिल जाए, जो कि 200cc सेगमेंट का बाइक है दोस्तों। इसमें आपको जो है क्विक शिफ्टर मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपको R15 जो कि 155cc का बाइक है उसमें भी आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है, स्लीपर क्लच मिल जाता है। तो इस बाइक में जो है दोस्तों डेफिनेटली जो है ये अपडेट होना चाहिए। अब ये अपडेट होगा कि नहीं होगा उसके बारे में मैं आपको कन्फर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे अनुसार से ये अपडेट होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, स्लीपर क्लच और क्विक शिफ्टर का अपडेट RS 200 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग जो है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। अब नेक्स्ट अपडेट की अगर बात करें दोस्तों, तो इस बाइक का जो है सस्पेंशन सेटअप के साथ चेंजेस होने वाला है। इसका जो फ्रंट का सस्पेंशन है दोस्तों अभी भी आपको टेलीस्कोपिक मिलता है, लेकिन फाइनली अब जो है आपको इसमें USD सस्पेंशन मिलने वाला है, जिसका कि परफॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी बेहतर होने वाला है। हीरो कंपनी ने जो है दोस्तों करिश्मा को भी लॉन्च कर दिया है, इस वजह से जो है मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए जो है अब आपको काफ़ी जल्द ये अपडेट जो है बाइक में देखने को मिलेगा। और आपको नेक्स्ट अपडेट में इस बाइक में न्यू कलर ऑप्शन और न्यू ग्राफिक्स भी देखने को मिलेगा। तो ये सारा चेंजेस जो है दोस्तों RS 200 में होने वाला है, और ये चेंजेस आपको जो है काफ़ी जल्द देखने को मिल जाएगा। 2024 के मिड तक जो है दोस्तों ये अपडेट्स बाइक में होने वाला है। आप मान सकते हैं कि अप्रैल मई में जो है ये अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप जो है दोस्तों RS 200 के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल का वेट कर रहे थे, तो आप जो है कुछ टाइम और वेट कर लें। इस बाइक में जो है कमाल का अपडेट आने वाला है। उसके बाद अगर आप बाइक को परचेस करते हैं तो आपको जो है मार्केट में एक अलग सा रोड प्रेजेंस मिलेगा। तो इस बाइक का जो है दोस्तों आप लोगों को अपडेट्स कैसा लग रहा है, आप लोग जो है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। इस बाइक में और क्या क्या अपडेट्स हो सकता था, ये भी आप लोग जो है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। तो चलिए फिर दोस्तों अब इस वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।